बहुत बहुत बधाई। अब क्या कहना चाहो? जालौर जिले की जनता की और ये भारत की जीत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देश में वापस सरकार बन रही है और भारत जो विकास की गति में आगे बढ़ा था वो प्रगति के पथ पे और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और गरीबों के विकास के, किसानों के हित के, व्यापारियों के, जो भी उनके व्यापार बढ़ाने के लिए जो भी उनके हितों के रक्षण होगा उसकी रक्षा करेंगे और आगे। आपने हैट्रिक की है, इस बार आप जीत का श्रेय किसे देंगे? मैंने हैट्रिक नहीं की है, जालौर सिरोही की जनता ने हैट्रिक की है, भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक की है, नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक की है और ये सारा का सारा श्रेय जो है मेरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जालौर सिरोही की जनता को जाता है। ये उनकी जीत है और उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपके मंत्री बनने की अटकलें लग रही है। मैं जालौर सिरोही का सेवक हूँ और सेवक बन के रहूँगा और सेवा हमेशा निरंतर कर रहा हूँ। इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मैंने पहले ही कहा था कि जो भी यहाँ के विकास के कार्य है वो सारे मेरी प्राथमिकता पे है और उन कार्यों को आगे करके लाना है और उन कार्यों को जमीन पे उतारना, यही मेरी बात। केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, क्या कहना चाहिए? बनने जा रही नहीं, बन गई।